वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी आंसर। जैसे कि आपको वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि आज मैं फिर से आप लोगों के साथ लाई हूँ एक मेकअप ट्यूटोरियल। सो गाइस, ये एक ऐसा मेकअप ट्यूटोरियल मैं लाई हूँ आप लोगों के साथ, जैसे कि आप किसी की वेडिंग पे जा रहे हो या पार्टी लुक क्रिएट करना चाह रहे हो या किसी गेस्ट के घर जा रहे हो गाइस, तो आप ये वाली लुक को इजीली कैरी कर सकते हो। देखने में ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा गाइस, बट ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको परफेक्टली ऐसा स्टेप पे सिखाऊंगी गाइस कि आप भी ये क्रिएट कर सकते हो और ये बहुत ही सिंपल वे पे होगा। तो चलो गाइस, अब वीडियो के ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मेकअप लुक को अचीव करने के लिए हम लोग क्या क्या स्टेप को फॉलो करते हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखें। तो सबसे पहले गाइस अपना फेस को क्लीन कर लेना, उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर गुड वाइब्स का क्यूकम्बर टोनर, और उससे मैं अपने फेस को टोन अप कर ले रही हूँ ताकि जितने भी बिग पोर्स है वो मिनिमाइज हो जाए। और यह मॉइस्चराइज़र में मैं ऑल टाइम फेवरेट निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ गाइस, और ये अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लूँगी। मॉइस्चराइज करना फेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, विंटर है गाइस, सिर्फ मॉइस्चराइज़र से नहीं चलता। तो यहाँ मैं आर्गेन ऑयल फेशियल सीरम ले रही हूँ गाइस, तो ये गोल्ड लीफ के साथ है तो फेस में एक ग्लो भी ऑटोमेटिकली आपको प्रोवाइड करता है। और लिप बम के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ निविया का लिप बम, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो जो प्रोडक्ट आपका लिए इजी हो। यहाँ पर लॉरियल का ब्रो किट मैं यूज़ कर रही हूँ, और इससे मैं सबसे पहले आज ब्रो से मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेकअप। तो पहले मैं ब्रो को अपने अच्छे से फिल कर रही हूँ, तो जस्ट गैप एरिया को मैं फिल कर रही हूँ गाइस, मैं ब्रो में ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ क्योंकि नेचुरली ब्रो मुझे ज़्यादा पसंद है, उतना ज़्यादा आर्टिफिशियल लुक को क्रिएट करना अच्छी नहीं लगती। और इस पुली की हेल्प से मैं ब्रश कर ली हूँ, और यहाँ पर कंसीलर ले रही हूँ मेबेलिन का इन दी शेड 15, और ये हाइलाइटिंग कंसीलर है, पूरे आईलिड में मैं अच्छे से लगा लूँगी और फिंगर की हेल्प से ही मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ डैब डैब मोशन पे, लगड़ घिसड़ना नहीं है गाइस। और अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ मैं बढ़ूँगी, यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का कॉम्पैक्ट इन दी शेड पर्ल, और इससे मैं एक बफिंग ब्रश के हेल्प से सेट कर लूँगी कंसीलर। और यहाँ पर एले कलर्स का पैलेट ली हूँ, और ये लाइटर ब्राउन शेड को मैंने पिक किया है, और आहिस्ते आहिस्ते आउटर वी पे फोकस करते हुए इनर वी की तरफ ले जाऊँगी। इसे अचानक सब पूरा कलर्स को पिक ना करें गाइस, धीरे धीरे करें तो पिगमेंटेशन भी अच्छी आएंगी और आपका आई शेडो बिगड़ेगा भी नहीं। तो यहाँ पर मैं फिर से सेम कंसीलर ले रही हूँ इन दी शेड 15, और यहाँ पर मैं कट क्रीज कर रही हूँ, फ्लैट स्मॉल ब्रश ले रही हूँ गाइज। तो कट क्रीज के लिए गाइज आपको एक टेक्निक को इस्तेमाल करना है, वो है टाइम। टाइम आपके पास परफेक्ट हो गाइज तो ही आप कट क्रीज करो, वरना ये वाली स्टेप को आप स्किप कर दो। कट क्रीज करने में गाइज आराम से टाइम लेके धीरज रखते हुए हमें करना पड़ता है, वरना पूरी शेडो खराब हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर मैं ये क्रीज शेड ले रही हूँ, ये ग्रे कलर का शेड है गाइज। तो आउटर वी पे मैं वी बनाते हुए फोकस करते हुए मैं लगा रही हूँ गाइस हाफ एरिया पे, और हाफ एरिया पे मैं ग्लिटर आई शेडो यूज करूंगी जो कि आपको राइट हैंड साइड में नजर आता होगा, गन मेटल शायद इसका शेड नंबर है, मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परफेक्टली। तो हाफ में हमें पुट किया था मैट शेडोज, और हाफ में हमें यहाँ पर यूज किया स्विस ब्यूटी का मेटालिक आई शेडो। और यहाँ पर अब सेम ब्रांड के तरफ से सिल्वर शेड में ले रही हूँ, और उससे मैं इनर कॉर्नर पे वी बनाते हुए लगा ली हूँ। यहाँ लैक्मे एब्सोल्यूट का शाइन लाइन आईलाइनर ले रही हूँ इन दी शेड ब्लैक, और जहाँ पर हमने सिल्वर हाइलाइटिंग शेड लगाया है वहाँ पर थोड़ा सा फोकस करूँगी गाइज, क्योंकि हमें सिल्वर इफेक्ट ज़्यादा दिखाना है, और काफ़ी थिन लाइनर को मैं क्रिएट करूँगी गाइज यहाँ पर, और विंग पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर रही हूँ बिकॉज ताकि हमारा जो आई शेडो वो परफेक्टली नज़र आए। ये है लैक्मी, इट्स अ L18 आई ड्रामा काजल, और इससे मैं अप्लाई कर रही हूँ इनर के तरफ, मैं बहुत ही कम लूँगी गाइज, और साइड के तरफ जहाँ विंग क्रिएट किया वहाँ पर ज़्यादा फोकस करूँगी, और एक एंगल ब्रश से ब्राउन शेड को पिक करते हुए स्मच कर दूँगी। और यहाँ पर मैं मेबेलिन का लैस सेंसेशनल मस्कारा लिया जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है गाइस, इससे 2-3 कोट लगा लेती हूँ गाइस, फॉल्सेस का नीड नहीं होती। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं इतना अच्छा मेकअप करती हूँ बट फॉल्सेस क्यों नहीं अप्लाई करती हूँ, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। ऑफ कैमरा दोनों आइज़ पर मैंने पुट कर लिया, यहाँ पर लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लर परफेक्ट प्राइमर लिया है, ये काफ़ी अच्छा प्राइमर है,
कोई भी सीजन में बहुत ही अच्छा आपके फेस पे फोकस करता है। टी जोन एरिया पे फोकस करते हुए फोरहेड पे, जहां आपको स्वीटिंग का ज्यादा प्रॉब्लम होता है आप उस जगह पे फोकस करते हुए लगा ले। ऑफ कैमरा मैंने लैक्मे एब्सोल्यूट का व्हाइट इंटेंस फाउंडेशन लगा लिया है और यहाँ मेबेलिन का कॉम्पैक्ट ले रही हूँ इन दी शेड पर्ल और फाउंडेशन का 01 शेड था और पूरे फेस को मैं सेट कर ले रही हूँ। ड्यूई इफेक्ट चाहिए गाइस तो आप कॉम्पैक्ट को स्किप कर सकते हैं। यहाँ 925 का मैं ब्लशर ले रही हूँ और इससे मैं अपनी एप्पल ऑफ द चीक पे अच्छे से अप्लाई कर दूंगी। ट्रांजिशन शेड और मेरा ब्लश का शेड आई शेडोज का आप देख सकते हो गाइस बिल्कुल सिमिलर है। और यहाँ बेकिंग हाईलाइटर ले रही हूँ और ये इन कलर का हाईलाइटर है इन दी शेड 01 और आप देख सकते हो OMG कितना ग्लो आ रहा है फेस पे। यहाँ पर मैं जूम कर आपको दिखा रही हूँ तो चिक बोन्स, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो, आर्च एरिया, ब्रो बोन पे मैं अच्छे से हाईलाइट कर दूंगी गाइस। देन यहाँ मैंने MN का लिप लाइनर लिया, तो आप कोई भी लिप लाइनर ले सकते हो गाइस। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही लोकल ब्रांड का ब्राउन शेड का लिप लाइनर लिया और यहाँ पर लैक्मे 925 का प्राइमर प्लस मैट लिपस्टिक का कोको ब्रेक शेड है गाइस और उसे मैं अच्छे से अपने लिप्स पे फिल कर रही हूँ एंड डन। यहाँ पर मैं रेडी हो गई। यही मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है इस वीडियो में। आई होप आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी और जरा भी हेल्पफुल रहे अगर ये वीडियो, तो इस वीडियो को बिग लाइक देना बिल्कुल भी ना भूले। और साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब विद बेल आइकन बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। तो गाइस अगर आपका कोई और भी रिक्वेस्ट हो तो आप मुझे मेल के थ्रू या DM के थ्रू रिक्वेस्ट कर सकते हो। सारा डिटेल्स आपको मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है। आप सारे सोशल साइट से मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हो। सो गाइस मेरा वीडियो यहीं पर एंड होता है। टिल देन बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।